हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने हमारे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में 7 प्रॉब्लम तक कर लिया था। आज हम लोग 8 प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे उसका, और से आगे तक जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं आज। तो हमारा जो है एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है। जो बच्चों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोज़ को देखें, ठीक है? वहाँ पर बेस बताया गया है इसका, ठीक है ना? तो इसका कंटिन्यूएशन में आइए, हमको अभी क्वेश्चन नंबर 8 करना है, जिसमें मान लीजिए लेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री आपको दे दिया गया है। और आपको कहा गया है कि इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। लेट मी चेक, आपको नजर आ रहा है? हाँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर लिखेंगे तो प्रॉपरली नजर आ जाएगा। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको, कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री साइन ऑफ एक्स डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री। आई होप अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ठीक है? हाँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 8 है, ठीक है? इसको अपने को सॉल्व करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बार अपने को देख के समझ में आ जाता है कि सर ये तो यू अपॉन वी का फॉर्मेट है, यू अपॉन वी का फॉर्मेट है। तो डेरिवेटिव तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन रूल बताओ जल्दी से क्या है। डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी, जल्दी बोलो, v into derivative of u minus u into derivative of v divide by v square। समझ में आ गया? क्वेश्चन रूल में u v को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखोगे तुम लोग? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो therefore क्या हो जाएगा, dy by dx is equals to, इसको बताओ जल्दी से क्या होगा। फॉर क्या है हमारे पास? v into derivative of u, v यानी क्या? 1 minus sine of x degree। यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है आपको, ध्यान रखो, आपके पास जो डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का, समझ में आ गया, वो डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स होता है। इसमें जो एक्स होता है ना बच्चों, इट मस्ट बी इन रेडियंस, ये रेडियंस में होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स को डिग्री में दिया हुआ है, समझ आ गया? तो ये कंपोजिट फंक्शन है, यहां पर एक्स जो रेडियन वाला है उसकी जगह पर एक्स डिग्री वाला बैठा हुआ है, समझ में आ गया? तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव करके रुकना नहीं है, आपको उसके आगे एक्स डिग्री का भी डेरिवेटिव करना है। अभी समझाता हूं मैं, क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ रही ना? ध्यान रखना कि जब भी आप क्या करते हो कैलकुलस में, जब भी आप एंगल लिखते हो तो एंगल को आप रेडियन में ही लिखते हो। जितने भी आपने डेरिवेटिव्स पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उन सब में आपने एंगल को किस में रखा है? रेडियन में ही रखा है, समझ आ गया? अगर डिग्री में रख दिया गया तो डिग्री एक कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वो वहां पर रेडियन की जगह, रेडियन वाले एंगल की जगह बैठा हुआ है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो अगर ये ऐसा है, अगर ये डिग्री है, तो इसको कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, बताता हूं मैं। बहुत सिंपल है, साइन एक्स डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डिग्री इनटू डेरिवेटिव। देखो इसका फॉर्म क्या था, साइन एक्स का फॉर्म था, तो पहले फॉर्म का डेरिवेटिव हो गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिग्री करना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? अभी समझाता हूं मैं कैसे करते हैं उसको। अब एक्स डिग्री को कैसे लिखेंगे वो क्लियर हो जाएगा, यही बता देता हूं। अगर कर दिए तो कॉस एक्स इंटू, अब ये एक्स डिग्री जो होगा ना बच्चों, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई एक्स बाय 180 रेडियन बन जाता है। एक्स डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई एक्स बाय 180 रेडियन बन जाएगा। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो डी बाई डी एक्स को वैसे ही रखने का, और एक्स डिग्री की जगह क्या लिखने का, पाई एक्स बाय 180 रेडियन, क्योंकि x डिग्री इज इक्वल टू पाई एक्स बाय 180 रेडियन होता है। समझ में आ गया? फिर पाई बाय 180 तो कांस्टेंट है ना, तो cos x इंटू cos x डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो cos x इंटू पाई बाय 180 इसका डेरिवेटिव आएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, समझे? तो याद रखना, यहां पर अगर x डिग्री है तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको, पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसको, एज ए कंपोजिट फंक्शन लेकर के डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर x डिग्री का भी आप लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो यही चीज आप क्या कर दोगे आगे, अगर cos x डिग्री होगा तो भी आप उसको लगा दोगे वहां पर, ठीक है ना? क्लियर है? भी समझाता हूं मैं और आपको डिटेल में। तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब क्या फॉर्मूला, v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, u का डेरिवेटिव करना है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री करना है माइनस। उसके आगे बताओ u इंटू डेरेटिव v, u क्या है, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री इंटू आपको डेरेटिव किसका करना है, डेरेटिव आपको v करना है। तो v का क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ v क्या है, ये है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री, समझ में आ गया? और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका वी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? डिनोमिनेटर को हाथी मत लगाओ, ऐसे ही छोड़ दो। देयरफॉर डीवाई बाई डी एक्स बताओ जल्दी से क्या होगा, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री तो कुछ भी नहीं होगा, इंटू
इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, वन का डेरिवेटिव जीरो होगा, प्लस साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव अभी बताया मैंने, क्या लिखोगे तुम लोग, इसको लिखोगे कॉस एक्स डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिग्री, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैंने, इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। और अभी समझाया मैंने कैसे लिखना है एक्स डिग्री को, एक्स डिग्री को क्या लिखोगे तुम लोग, समझ में आ गया, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा डायरेक्ट, डायरेक्ट कर देता हूं, डायरेक्ट करूंगा तो क्या डेरिवेटिव एक्स डिग्री, डेरिवेटिव एक्स डिग्री मतलब क्या होगा पाई बाय 180 आ जाएगा, क्लियर है, बता दूं एक बार, इनटू डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका एक्स डिग्री, समझ में आ गया, माइनस उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको 1 प्लस साइन ऑफ क्या हो जाएगा ये एक्स डिग्री इनटू डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है जीरो माइनस बताओ जैसे क्या होगा इनटू यहाँ लिख रहा हूँ मैं जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा एक्स डिग्री होगा, क्योंकि आपका जो एक्स डिग्री है वो रेडियन की, एक्स रेडियन की जगह पर बैठा हुआ है, वो कंपोजिट फंक्शन को में काउंट होगा, ठीक है। चलो भैया ऐसा है, अब ऊपर का पार्ट ड्रॉप कर देते हैं जल्दी से और उसको आगे का सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो भैया एंट्रेंस पे तो डायरेक्ट डायरेक्ट उड़ाना होता तुमको, अभी तो एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं तुमको, एंट्रेंस में फटाफट खटाखट एक ही स्टेप में कर देना, ठीक है। तो therefore क्या होगा बच्चों, dy by dx होगा is equals to क्या मिलेगा 1 minus sine of x degree, तो वैसे का वैसे ही होगा into derivative, इसका करना है अभी, इसका derivative बताओ क्या होगा cos of x degree into बताया मैंने x degree को क्या लिखोगे तुम लोग, derivative of x degree जल्दी बोलो कैसे लिखोगे, d by dx of क्या लिखोगे pi by 180 into x हो जाएगा, pi by 180 बाहर जाएगा, फिर क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1, तो एक्स डिग्री का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स डिग्री का डेरिवेटिव होगा पाई बाय 180, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं कैसे आया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 180, समझ में आ गया। अगले स्टेप में तुमको क्या करना, जब बोर्ड में करोगे तो यहां पर एक्स डिग्री की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देना पाई एक्स बाय 180, समझ में आ गया, क्लियर है, ऐसे आप लोग कर देना, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलता हूं मैं, आगे क्या है देखो क्या मिला है मुझे, मुझे मिला है माइनस, ये क्या मिला है 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री, ये अपनी जगह पर इनटू क्या मिला है मेरे को देखो माइनस कॉस ऑफ एक्स डिग्री इनटू पाई बाय 180 आएगा, क्लियर हो गया ना, एक्स डिग्री का डेरिवेटिव क्या होगा पाई बाय 180, ये अपने को समझ में आ गया है, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में जो है उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको रब कर देते हैं फटाफट से, इसको रब कर दिया, इसको रब करने के बाद अब क्या है नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस वो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, इसको प्लस कर दो, नेक्स्ट स्टेप अभी प्लस के लिए थोड़ी लिखूंगा मैं, फिर पाई बाय 180 को बाहर निकाल लो, पाई बाय 180 बाहर आ सकता है, कॉस एक्स डिग्री बाहर आ सकता है, तो कॉस एक्स डिग्री इंटू पाई बाय 180 बाहर आ सकता है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री प्लस 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री, और डिनोमिनेटर में जो अपना था वो वैसे का वैसे ही 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, तो प्लस साइन ऑफ एक्स डिग्री माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों 2 हो गया, तो हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू कॉस ऑफ एक्स डिग्री इंटू क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब उसके बाद 2 वन जा 2 90 जा यानी 2 पाई बाय 90 और ये क्या होगा कॉस ऑफ एक्स डिग्री और 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये और सिंप्लीफाई होगा, पाई बाय 90 कॉस एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, समझ में आ गया, ये मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना है कि अगर डिग्री में आया तो वो कंपोजिट फंक्शन के जैसा काउंट होगा, क्योंकि जब हम कैलकुलस में कभी भी एंगल को लिखेंगे तो इट मस्ट बी इन रेडियंस, उसको रेडियंस में ही कन्वर्ट करना है आपको, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको समझा दिया मैंने, अब जो है आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखो, क्या कह रहा है अगला सवाल, क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू ये आपका cot ऑफ log x by 2 माइनस log ऑफ cot x by 2, ये आपके पास है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, समझने की कोशिश करो, वही डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट करता हूं मैं y डैश इज इक्वल्स टू क्या cot x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं फॉर्म क्या है, cot x का फॉर्म है माइनस cos x square x का डेरिवेटिव होता है, तो माइनस cos x square log x by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा जो x की जगह पर बैठा है, कौन है फंक्शन, क्या है फंक्शन है log x by 2 माइनस, इसका फॉर्म बताओ log x का फॉर्म है, माइनस आ रहा है ना तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, बताया था मैंने प्लस माइनस आएगा तो इंडिविजुअली डेरिवेटिव लेने का, log x का डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी बोलो, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 / x होगा,
है ना, तो ये जाएगा वन अपॉन क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू डेरेवेटिव, अपने को क्या करना है अभी, डेरेवेटिव ऑफ जो एक्स की जगह पर बैठा है कॉर्टेक्स बाय टू, समझ में आ गया, इस तरीके से इसको करेंगे। तो अपने पास बचा क्या बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाय टू इंटू डेरेवेटिव ऑफ क्या, वन बाय टू तो बाहर जाएगा, कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, लॉग एक्स का डेरेवेटिव वन अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ गया। माइन ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यानी टू अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉटेक्स हो जाएगा इंटू वन अपॉन टू, फिर से बाहर जाएगा, क्यों कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, इंटू कॉटेक्स का डेरेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये टू ने ये टू को मार दिया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप थोड़ी लिखूंगा मैं उसके लिए, तुमको समझ में आ जाना चाहिए वो। अब उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या है, माइनस कोसेक स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन कॉटेक्स इज टेन एक्स इंटू कोसेक स्क्वेयर एक्स, समझ में आया, क्लियर है, ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो अभी इसको आंसर को चेक कर लेते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, आओ टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू एक्स, इसको ऐसे लिख दो कोई बात नहीं, एक ही बात है, डिवाइडेड बाई टू एक्स एक ही बात है, प्लस टेन एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ये हो गया, अब जो है अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं फटाफट से, आ जाओ। टेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, टेंथ क्वेश्चन जो है ये आपसे कह रहा है y is equals to e raised to 2x minus e raised to minus 2x divided by e raised to 2x plus e raised to minus 2x, ये आपके पास है, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन यहां पर है, इसको कैसे, सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज नहीं करोगे तो इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्यों गड़बड़ हो जाएगी, इसमें दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, u बाई वी लगाना पड़ेगा, तो अगर रीअरेंज करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम, तो रीअरेंज करके थोड़ा बता देता हूं मैं कैसे रीअरेंज करोगे इसको। यहां पर क्या है, ई रेस्ट टू 2x है, यहां पर लिखता हूं नीचे, ये ई रेस्ट टू 2x को कुछ मत करना, ये ई रेस्ट टू माइनस 2x है ना, तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू 2x हो जाएगा, a रेस टू माइनस एन क्या होता है, वन अपॉन ए रेस टू एन होता है, समझ में आ गया, लॉ ऑफ इंडाइसेस छठी क्लास समझ में आ गया, सिक्स स्टैंडर्ड में सिखाते हैं सब, e रेस टू 2x प्लस क्या होगा, वन अपॉन ये हो जाएगा आपका प्लस वन अपॉन e रेस टू 2x, समझ में आया, क्लियर है। अब इसके बाद आगे ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये क्या होगा, e रेस टू 2x into e रेस टू 2x क्या होगा, e रेस टू 2x का होल स्क्वायर, मतलब e रेस टू 4x हो जाएगा माइनस वन अपॉन e रेस टू 2x, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये हो जाएगा e रेस टू 4x प्लस वन अपॉन e रेस टू 2x, e रेस टू 2x e रेस टू 2x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया बच्चों, हमारे पास बच गया देयरफोर y इज इक्वल्स टू e रेस टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइड बाय e रेस टू 4x प्लस 1, ये हमारे पास आया। तो थोड़ा सा पहले तो भयानक सा एक्सप्रेशन था, अब थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वही करेंगे अभी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y डैश इज इक्वल्स टू u बाय v का फॉर्म है, तो आपको पता ही है क्या करना है, v इंटू डेरेवेटिव u, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, v इंटू डेरेवेटिव u, इसका डेरेवेटिव डायरेक्ट बताओ क्या आएगा, डायरेक्ट बताओ, इसका डेरेटिव लेंगे तो क्या होगा, बोले जैसे e रेस टू 4x का डेरेटिव क्या होगा, e रेस टू 4x इंटू 4, समझा, e रेस टू x का डेरेटिव क्या होगा, e रेस टू x होगा, इंटू x की जगह पर कौन बैठा है 4x, 4x का डेरेटिव क्या होगा 4, माइनस क्या हो जाएगा 0, समझे, नहीं समझ में आया, अरे भाई बताता हूं मैं, आओ फॉर्मूला तो अगले से याद है ना, फॉर्मूला क्या है, v इंटू डेरेटिव u, v क्या है, e रेस टू 4x प्लस 1 इंटू डेरेवेटिव, डेरेवेटिव किसका, डेरेवेटिव e रेस टू 4x माइनस 1, माइनस आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब क्या करना है बताओ, v इंटू डेरेटिव u हो गया, अब क्या करना है, u इंटू डेरेटिव v, e रेस टू 4x माइनस 1 इंटू डेरेवेटिव ऑफ क्या, v, v का डेरेटिव बताओ जैसे क्या है, e रेस टू 4x प्लस 1, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आएगा जल्दी बताओ, डिनोमिनेटर में e रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, v का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, चलो भाई आगे चलते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, e रेस टू 4x प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी से बताओ, ये फॉर्मेट क्या है, e रेस टू x, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू x इंटू x की जगह पर कौन बैठा है 4x, तो 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, समझ में आ गया, माइनस माइनस ये क्या है, e रेस टू 4x
माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी से बताओ, ई रेस टू फोर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू फोर एक्स इंटू फोर प्लस क्या हो जाएगा जीरो, क्यों वन का डेरिवेटिव जीरो और ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर अपनी जगह पर बच्चों, समझ में आ गया हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब अपने को रीअरेंज करना है, कैसे रीअरेंज करेंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। देयरफोर क्या हो जाएगा, देयरफोर वाई डैश इज इक्वल टू जल्दी बताओ, वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेस टू फोर एक्स, ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन इंटू ये क्या हो जाएगा फोर ई रेस टू फोर एक्स माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा ई रेस टू फोर एक्स माइनस वन इंटू फोर ई रेस टू फोर एक्स और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे, फोर ई रेस टू फोर एक्स को कॉमन ले लेंगे, फोर ई रेस टू फोर एक्स को कॉमन ले लिया ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन माइनस ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन, समझ में आ गया, माइनस को अंदर भेजा तो साइन चेंज हो गया, ये दोनों खत्म हो गए, ये क्या होगा ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, समझ में आ गया। वन वन कितना होगा टू, टू फोर द कितना होगा, समझ आ रहा है, वन प्लस वन क्या होगा टू, टू फोर द कितना होगा एट, एट ई रेस टू फोर एक्स डिवाइड बाय ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, समझ में आ गया। ये आपका क्या है आंसर, आओ जरा मैच कर लें आंसर को, एट ई रेस टू फोर एक्स अपॉन ई रेस टू फोर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, समझ में आ गया। चलो ये हो गया, थोड़ा सा इंक भर लें, 12th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 10th है, उसमें देखो ऑलरेडी वैसे अरेंज करके दे दिया गया है, बस वहां पर ई रेस टू फोर एक्स की जगह ई रेस टू रूट एक्स दिया गया, समझ आ गया। तो ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, तो वो तुम सॉल्व करना, वो बिल्कुल वैसे ही 11 नहीं कराऊंगा मैं, 12th पे आते हैं। तो 12th में देखो क्या दिया हुआ है, 12th में लेट वाई इक्वल टू लॉग ऑफ क्या दिया हुआ है आपको, टैन क्यूब एक्स इंटू साइन रेस टू फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन द होल रेस टू सेवन, ये आपके पास है, समझ में आ गई, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें, पहले फर्स्ट आपको अटेम्प्ट में समझ में आएगा कि ये फॉर्मेट क्या है, लॉग एक्स का फॉर्म है, तो log x के फॉर्म में क्या करोगे तुम, 1 अपॉन x लिखोगे, तो पूरा टर्म 1 अपॉन x आएगा इनटू डेरिवेटिव, ये तीनों टर्म जाएगा। अब ये तीनों फिर क्या है, u v w, यानी अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा u इनटू v इनटू w, डेरिवेटिव ऑफ u v रूल तो सुना होगा आपने, u v w रूल तो नहीं सुना है, u v w रूल में क्या होता है, इसमें तीन टर्म्स हैं डेरिवेटिव के लिए, ऐसा होगा डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा u v w, तो u इनटू क्या करना होता है, पहले क्या कर दो ऐसे लिखो, पहले केस में ऐसे लिखो यू डैश इंटू वी डब्ल्यू, दूसरे केस में क्या करना होता है, दूसरे केस में आपको लिखना होता है वी डैश इंटू यू डब्ल्यू प्लस तीसरे में क्या होता है डब्ल्यू डैश इंटू वी यू, मतलब क्या, एक बार यू का डेरिवेटिव, दूसरे बार में वी का डेरिवेटिव, तीसरे बार में डब्ल्यू का डेरिवेटिव, समझ में आ गया, बाकी दोनों वैसे के वैसे ही। लेकिन भाई इतना बड़ा करने कौन जाएगा, कौन करेगा इतना बड़ा, समझे, तो ये हम लोग नहीं लगाएंगे, यू वी डब्ल्यू हम लोग नहीं लगाएंगे इसमें, हम क्या करेंगे, हम इसमें दिमाग लगाएंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे वो आपको बताता हूं मैं। आपको एक रूल पता होगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, 11 में पढ़ा है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ये आपको पता है। और दूसरा रूल आपको पता है लॉग ऑफ एम रेस टू एन क्या होता है, एन लॉग ऑफ एम होता है। अगर दो रूल आपको पता है तो आपके बाएं हाथ का खेल है ये सॉल्व करना, ये एन आगे आ जाएगा इसको याद रखना, और ये ए इंटू बी होगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी हम लोग लगा सकते हैं, क्लियर है। तो यहां पर भी देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन में, डॉट मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा, मैं अरेंज कर रहा हूं, लॉग ऑफ क्या होगा टेन क्यूब एक्स, समझ में आ गया, प्लस क्या होगा लॉग ऑफ क्या हो जाएगा साइन रेस टू फोर एक्स, समझ में आ गया, प्लस क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन द होल रेस टू सेवन, समझ में आ गया, क्लियर है, इस तरीके से आपके पास है ये। अब इसके बाद समझने की कोशिश करो, ये जो टेन क्यूब एक्स है ना, इसको क्या लिख सकते हैं ऐसा, टेन एक्स द होल क्यूब, हाँ एक ही बात है, साइन रेस टू फोर एक्स को क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स द होल रेस टू फोर लिख सकते हैं। अब आपको पता है लॉग ऑफ एम रेस टू एन क्या होता है, एन लॉग ऑफ एम, तो 3 log 10 x हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 log, ये हो जाएगा आपका sin x, प्लस क्या हो जाएगा आपका 7 log, और ये क्या हो जाएगा x square plus 7, समझ में आ गया, और ये आपका क्या है y, समझ में आ गई बात, क्लियर है, इतना आसानी से इसको लिखा जा सकता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, अभी तो अरेंज हो गया, अब जगह नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं y डैश, आप लोग लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 3 इंटू इसको देखो ध्यान से log x का फॉर्म है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है, इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec square x होता है, पता है ना, log x 1 अपॉन x इंटू x की जगह पर जो बैठा है उसका डेरिवेटिव,
अभी इतना तो आ जाना चाहिए तुमको, वन अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, प्लस सेवन इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स, इंटू डेरिवेटिव क्या होगा इसका टू एक्स, टू एक्स प्लस सेवन, सेवन का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, समझ में आ गया, एक्स का डेरिवेटिव टू एक्स, समझ में आ गई बात, इतना आसानी से इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो देयरफोर क्या होगा वाई डैश इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स स्क्वायर एक्स और ये टेन एक्स, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, अभी समझाता हूं मैं इसको, ऐसे लिखना सबसे पहले वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अरे sec थीटा क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा होता है, वही लिखा है मैंने, प्लस फोर इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होगा ये हो जाएगा कॉट एक्स, प्लस सेवन टू जा कितना हो जाएगा फोर्टीन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये आपके पास है समझे, एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया, बचा गया वन अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी लगा होगा तो वन अपॉन क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को रब कर देता हूं मैं, देखो ये रब कर दिया अपन ने, और अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा देयरफोर हो जाएगा देयरफोर वाई डैश इज इक्वल टू थ्री इंटू वन अपॉन साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, पता है ना वही अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, समझ में आ गया, तो वन ऊपर चले जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा फोर कॉट एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस फोर्टीन एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, समझ आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, क्यों टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा साइन टू एक्स होगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एक क्या होगा थ्री टू जा क्या हो जाएगा सिक्स, और ये क्या हो जाएगा वन अपॉन क्या हो जाएगा साइन टू एक्स प्लस फोर कॉट एक्स प्लस फोर्टीन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, समझ में आ गया, वन अपॉन साइन टू एक्स क्या होगा बच्चों वन अपॉन कोसेक टू एक्स प्लस फोर कॉट एक्स प्लस फोर्टीन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, यही आंसर होना चाहिए, आइए चेक कर लेते हैं। सिक्स कोसेक टू एक्स प्लस फोर कॉट एक्स प्लस फोर्टीन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, यही तुम्हारा आंसर है, समझे क्लियर है, तो इतना लॉन्ग कट नहीं जाना, जो आपको नजर आ रहा है उसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इतनी आसानी से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ इसको अभी क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास अभी क्वेश्चन नंबर अपने पास है अभी थर्टीन, तो 13 क्वेश्चन को देखते हैं, 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, y दिया हुआ है log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 3x, समझ में आ गया, ये आपको दे दिया गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला तुमको पता होगा, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर x by 2, और 1 plus cos x का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ 2 cos square x by 2, समझ में आ गया, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो गड़बड़ है, तो पहले तो अरेंज करो log of, जल्दी बताओ क्या होगा, इसको क्या लिखोगे 1 minus cos x है तो 1 क्या हो जाएगा 2 sin square 3x by 2, देखो यहां पर x था तो यहां पर x by 2 आया, यहां 3x है तो 3x by 2 आएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 plus cos x यानी क्या 2 cos square 3x by 2, समझ में आ गया, 2 और 2 को खत्म कर दो, अब क्या होगा स्क्वायर रूट जब हटेगा तो साइन थीटा पे साइन स्क्वायर हट जाएगा कॉस स्क्वायर भी हट जाएगा, तो y क्या हो जाएगा log of, जल्दी बताओ साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 3x by 2, क्या बताऊं मैं इसमें इतना आसान हो गया है तो प्रॉब्लम, देखो कितना हलवा हो गया, log of x का फॉर्मेट है, जल्दी बताओ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जल्दी लो तो क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, लगे हो जाएगा 10 1 अपॉन 10 3x by 2, log x का क्या होगा 1 upon x, into derivative किसका लेंगे 10x का derivative लेंगे ना, ले भी ये भी 10x नहीं है, x की जगह पर कुछ बैठा हुआ, तो 10x का derivative क्या होता है sec square x होता है, यानी ये sec square 3x by 2 into derivative of 3x by 2, 3x by 2 का derivative क्या होगा 3 by 2, 3 by 2 बाहर जाएगा, x का derivative with respect to x क्या होगा 1, clear हो गया, तो एक step में direct मैंने बता दिया आपको, इसके बाद आगे आप क्या कर सकते हैं, वैसी चीजें कर सकते हैं जो आपको इससे पहले वाले सब में कराया था मैंने, तो यहाँ पर पहले आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ, सबसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप अरेंज करना चाहते हैं उसको, 13th में अरेंज किया है उसने, तो बता देता हूँ मैं कैसे करना है, आओ अरेंज करके बता देता हूँ मैं, ये क्लियर हो गया होगा है ना, ऊपर वाले पार्ट को भी रब कर देते हैं,
ऊपर के समझे बहुत बड़े हैं, नीचे वाले तो छोटे छोटे लग रहे हैं, जल्दी जल्दी हल हो जा रहे हैं। ठीक है, आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हल करोगे इसको देखो, ये हो जाएगा देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू, तुम्हारे पास क्या है, सो एक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, वन पॉन कॉस स्क्वायर थ्री एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा साइन थ्री एक्स बाई टू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कॉस थ्री एक्स बाई टू, सो उनमें है ना इंटू थ्री बाई टू तो अपनी जगह पर है। ठीक है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या बच्चों, बचेगा आपके पास थ्री डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, हाँ ये टू के साथ में देखो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी है, तो ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी होता है, यानी क्या बचेगा थ्री, ये हो जाएगा आपके पास थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाई टू और टू अपनी जगह पर, ये टू इनके साथ आ गया, समझ में आता है ना, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है, ये होता है ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, समझ में आ गया, तो ये नीचे वाला ऊपर चलाएगा, तो वन अपॉन साइन, ये क्या होगा ये तो अपने को पता ही है, क्या होगा ये साइन टू एक्स होता है, पता है ना अपने को, तो थ्री डिवाइड बाय साइन ऑफ टू टाइम्स एक्स, यानी टू इंटू थ्री एक्स बाई टू, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, तो टू और टू कैंसिल कर देना, तो बचेगा क्या, बचेगा थ्री अपॉन साइन ऑफ थ्री एक्स, ये अपने पास बचेगा, यानी थ्री कोसेक थ्री एक्स, वन अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स होता है, समझ में आ गया, तो थ्री कोसेक थ्री एक्स ये अपने पास आया है, थ्री कोसेक थ्री एक्स ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। ठीक है ना, कोई स्टेप में अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो ध्यान से, इसके बाद जो है बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिमिलर टाइप है, तो ये नहीं कराऊंगा मैं इसको, आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, 15th वाला कराऊंगा मैं, 15th वाला देखो ध्यान से, 14th वाला खुद से ट्राई करो, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना है, जब भी मुझे ये दिखता है ना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा कॉन्जुगेट लगा देता हूँ, कॉन्जुगेट लगाने से क्या होता है प्रॉब्लम आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू मैं क्या करता हूँ log ऑफ, इसको लिखता हूँ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अब मैं क्या करता हूँ रैशनलाइज करता हूँ, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, समझ में आ गया। अब क्या हो गया, ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन साइड में सैकड़ों बार किया तुमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों ये तो कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, तो हो जाएगा लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट भी डालना, अंडर रूट 1 माइनस क्या है ये साइन एक्स द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बताओ क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसको आप लोग क्या कर दो, इसको आप लोग झटपट से क्या करो, रूट हटाओ, रूट हटाओगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये आपका कॉस एक्स, समझ में आया क्लियर है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसको क्या कर दो सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये अपने पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स, क्या होगा भाई sec x होगा माइनस ये क्या हो जाएगा आपका tan x होगा, समझ में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, आओ तो ये तो अपने को समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है, इतनी आसानी से यहाँ पर हो गया, लास्ट में जो भी फॉर्मेट है उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, चलो अभी क्या है इसको समझने की कोशिश करो कि हमारे पास क्या है, देयरफॉर वाई क्या मिला, वाई मिला लॉग ऑफ sec x माइनस क्या मिला tan x मिला है, ये भी मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूँ इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, y डैश log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x 1 अपॉन sec x माइनस tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या sec x माइनस tan x। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे आओ उसको समझते हैं। तो अब यहाँ पर x की जगह पर जो बैठा है उसका डेरिवेटिव sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा sec x इनटू tan x माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, हो जाएगा sec square x, समझ में आ गया। तो ये जाएगा 1 अपॉन sec x माइनस tan x इनटू, इधर से क्या करो, इधर से तुम लोग क्या करना sec x को कॉमन ले लेना, देखो sec x को कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा tan x माइनस क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, समझ में आया क्लियर है, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर माइनस को भी बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस भी अगर बाहर ले लेंगे, देखो ध्यान से sec x की जगह पर ये sec x माइनस tan x अपनी जगह पर, यहाँ से माइनस अगर बाहर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा,
हो जाएगा sec x माइनस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, और sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x कैंसिल हो गया, माइनस sec x इसका क्या होगा आंसर होगा, आंसर जरा चेक कर लेते हैं क्या है। हाँ 15 ना, मतलब ये क्या आंसर आ रहा है, 14 नहीं 15 का क्या है माइनस sec x है, समझ में आ गया। तो सिंपलेस्ट इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो उसको आसानी से मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, आप लोग उसको खुद से भी देख लेना 14th वाले को, 15th वाले को मैंने आपको करा दिया, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके बाद, इसके बाद अभी देखो, उसके बाद अभी है आपका 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 16th क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट y इक्वल्स टू log ऑफ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है 4 raised to 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्यूब, अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 द होल रेस टू 3/2, और ये आपका ऐसा ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है ना। हाँ 4 raised to 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 वन अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 ये आपके पास है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आओ कैसे सॉल्व करेंगे, आओ समझाता हूँ मैं कैसे करना है इसको, बहुत सिंपल है। दोनों को क्या करो, इंडिविजुअली क्या कर दो, पहले तो उसको लॉग की प्रॉपर्टी से दोनों को सेपरेट करो, इसको अलग करना उसको अलग करना, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा वो। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले 4 raised to 2x होगा प्लस log ऑफ क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 द होल रेस टू क्या होगा 3/2, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 2x को आगे भेज देना, तो 2x और ये क्या हो जाएगा log 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2, आपको पता है आगे आ जाएगा है ना, log ऑफ m रेस्ट टू n क्या होता है n log ऑफ m, तो log ऑफ क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4, ये अपने पास है, समझ में आ गया। तो ऐसे एक्सप्रेशन अपने पास आ गया है, ये अपने पास क्या हो गया अभी y अरेंज हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो, ये तो वो कहानी होगी, क्या कहानी बनेगी यहाँ पर, ये आपका बनेगा log ऑफ दिस है ना 1/x बनेगा, और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। देखो इसमें तुम क्या सोच रहे होंगे कि 1/x करके u by v लगाओगे, नहीं करना उसको, ये तुमने पढ़ा होगा ना log of a by b क्या होता है, ये होता है log of a minus log of क्या होता है b, समझ आया ना, ये पता होगा तुमको, तो वही लगाऊंगा मैं यहां पर। आओ मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, मुझे इतना लंबा नहीं करना है, 3/2 ये तो होल पे है, ये हो जाएगा log of x square plus 5 minus log of ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4, समझ में आ गया, log ऑफ a by b था तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b कर दिया मैंने, समझ में आ गया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना बच्चों, बहुत आसान है, इसको क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट है ना a टू हाफ, और हाफ आगे आ जाएगा तो हाफ आगे लिख दिया मैंने, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये भी हो जाता है, अब उसके बाद क्या करना है, अब साफ साफ नजर आ रहा है कि ये देखो प्लस में है सब, इसका मतलब क्या करना है, इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करो, दिक्कत ही नहीं है, 3/2 को भेजना है तो अंदर भेजो, यहाँ 3/2 अंदर जाएगा तो 3/2 होगा, वहां अंदर जाएगा तो 3 × 3/2 × 1/2 तो क्या होगा -3/4 हो जाएगा, समझे। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इंडिविजुअली इसको डिफरेंशिएट करना है, ऊपर का पार्ट रब कर देता हूँ और फटाफट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, समझ में आ गया। देखने में इतना खतरनाक प्रॉब्लम लग रहा था लेकिन है वो बहुत ही हलवा, ठीक है। आओ देयरफॉर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू, पहले लिख देता हूं मैं क्या क्या है, या डायरेक्ट कर दूं ना, डायरेक्ट करते आओ, वाई डैश निकाल रहे हैं अभी, लॉग फोर कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो लॉग फोर तो बाहर जाएगा डेरिवेटिव के, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा, 2 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 प्लस 3/2 अपनी जगह पर, लॉग ऑफ दिस इज 1/x² + 5 × 2x, समझ में आया इसका डेरिवेटिव, और डायरेक्टली तुमको समझ में आना चाहिए, 1/ देखो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x × x² + 5 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा है ना, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 3/4 इसका बताओ जल्दी से, अगर 2x³ - 4 इंटू इसका क्या होगा ऊपर का नीचे ऊपर से कम 3×2 का क्या होगा 6x² - 4 का क्या हो जाएगा 0, समझ में आ गया, ये हो गया डेरिवेटिव यार, बड़ा आसान है, तो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से 2×2 का कर देना 2×3 का कर देना, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 log 4 + 3x / x² + 5 -9x² / 2 × 2x³ - 4 ये है तुम्हारा, ठीक है, ये अपने को अभी तक यहां तक समझ में आया है। चलो आंसर चेक करते हैं क्या दिया हुआ है,
टू लॉग फोर करेक्ट है, थ्री एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का करेक्ट है, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, समझे? ठीक है, चलो अपने आप को ही वेरी गुड बोल लिया मैंने, ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक। कुछ नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसलिए कह रहा हूँ पुराने लेक्चर्स देखो आगे फटाफट, तुमको करना है बहुत सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा है कैलकुलस, तीन बार कम से कम किताब सॉल्व करोगे सिर्फ M2, तब जाकर के पक्का होगा ये। फिर अब मैं 17 नहीं कराऊंगा, बिल्कुल वैसे ही है 17, तो खुद से ट्राई करेंगे आप लोग 17 को। अब मैं आपको 18th कराऊं क्या, 18th करा देता हूं, वैसा ही लग रहा है मुझे ये। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या है ये आपके पास है, a रेस टू क्या है ये, cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3 द होल क्यूब इनटू क्या है मेरे पास, log x। समझ में आ गया, क्लियर है, ये हमारे पास है, ठीक। चलो आ जाओ अब इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज है, वही करना है बच्चों इसमें भी, ये ऐड होगा और ये दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है log ऑफ a अपॉन b इंटू c, तो कैसे लिखते हो, log ऑफ a माइनस क्या होगा, log ऑफ b प्लस log ऑफ c, वो दोनों तो क्या थे, मल्टीप्लाई में थे, इस वजह से ऐड हो गए, माइनस लेकिन अंदर भेजोगे तो फिर से क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो वही कहानी होने वाली है ये, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ a रेस टू क्या होगा, cos x होगा, फिर माइनस क्या होगा, लॉग ऑफ जल्दी बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल क्यूब माइनस लॉग ऑफ एक्स, समझ में आ गया, लॉग ऑफ एक्स, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब तो कुछ बचता ही नहीं है, क्या करो, कॉस एक्स को आगे भेजो, कॉस एक्स लॉग ए माइनस 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स, फटाफट इसको डिफ्रेंशिएट करो, वाइड है, जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस लॉग ए तो कांस्टेंट है, ए कोई कांस्टेंट है तो लॉग ए कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर जाएगी, लॉग ए वैसे ही रहेगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा बच्चों, माइनस 3 लॉग एक्स का डेरिवेटिव जल्दी बताओ क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 2x माइनस लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव एक्स की जगह पर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, समझ में आ गया, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ए, फिर माइनस 6x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, आंसर चेक करते हूँ। आखिर के क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगे मुझे, शुरुआत के क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े दिए हैं, वो बहुत लंबा ज़्यादा टाइम लग गया आपको उसके अंदर, माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ए करेक्ट है, माइनस सब करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, 18th करा दिया, 19th और 20th, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिर कंप्लीट हो जाएगा, समझे? चलो आ जाओ 19th देखते हैं, 19th में क्या दिया गया है, तो 19th में आपको क्या दिया गया है समझने की कोशिश करो, y इज इक्वल्स टू ये आपके पास क्या है, 25 log of sec x टू द बेस 5, समझ में आ गया, माइनस 16 रेस टू है वो 16 रेस टू log of 10x टू द बेस 4, ये अपने को दिया हुआ है, 25 रेस टू log of sec x टू द बेस 5 और 16 log of 10x टू द बेस 4, 16 रेस टू log of 10x टू द बेस 4, समझ में आ गया, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई कैसे करना है, क्या करना है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि log of ऐसे आपके पास है, मान लो आपके पास है a टू द बेस, यहां पर क्या है, ऐसे करो उसको, a रेस टू log ऑफ b टू द बेस है, अगर आपके पास ऐसा है a रेस टू log ऑफ a टू द b टू द बेस a, तो आंसर सीधा b आएगा, मतलब क्या, जो यहां पर है आप उसी के पावर में, जो आपका बेस है उसी के पावर में log है, उसका बेस भी क्या सेम है, समझ में आ गया, तो आंसर सीधा क्या आएगा, b आएगा, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ क्या है, इसको समझो, ये क्या चीज है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर रेस टू क्या, लॉग ऑफ सेक एक्स टू द बेस 5, माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर, और ये क्या है, लॉग ऑफ, है ना, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 10x टू द बेस क्या है 4, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि पता है ना आपको क्या होता है, लॉग ऑफ m रेस टू n, तो क्या होगा, n लॉग ऑफ m, तो उल्टा जा रहे हैं अपन, ये आगे जाता है, अपन क्या बोल रहे हैं, ये इसको अपन ने ऊपर भेज दिया, उसके ऊपर भेज दिया, तो ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा log of sec x the whole square to the base 5, और ये जाएगा 4, I'm sorry, minus 4, ये हो जाएगा आपका log of tan x the whole square to the base 4, समझ में आ गया, ठीक है ना, देखो same format है, a raised to log b to the base a, 5 raised to log of sec square x to the base 5, यानी क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, जो भी b है, क्या है आपका b, आपका b है sec x the whole square, है ना, तो ये आपका sec x the whole square minus क्या हो जाएगा, tan x the whole square, है ना, जो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो tan x the whole square, बात समझ में आ रही, क्लियर, अभी देखो डेरिवेटिव नहीं निकाला है मैंने, सिर्फ अरेंज किया है, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, 1 plus tan square x equals to क्या होता है, sec square x होता है, तो sec square x minus tan square x क्या होगा, 1 बचेगा, sec square x minus tan square x क्या बचेगा, 1 बचेगा, y का वैल्यू 1 आया, तो y dash, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, आंसर इसका 0 आएगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, समझ में आ गया, तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि a raise to log b to the base a क्या होगा आपका, वो होगा आपका b, समझ में आ गया, क्लियर है, ये आपने सीखा होगा, और 20th जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद से कर सकते हैं, समझ में आया, क्लियर है, तो ये मैंने बड़ा वाला पार्ट इसका निकाल दिया है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे टास्क को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए जो हमने लिया हुआ था, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमको लेक्चर अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा लगा तो हमको कमेंट करके बताइए अच्छा लगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, बुरा लगा तो हमको बताइए कि इसको सर ऐसे इंप्रूव करिए, ये नहीं समझा तो हम लोग इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा स्कोर करिए, और हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, तो उसमें हमारी मदद करिए, ओके, थैंक यू।